अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से आज का चौथा दिन है यहाँ पर, तो हम लोग जा रहे हैं ज़ियारत करने के लिए। आप लोग आगे आगे देखते रहो। अस्सलाम वालेकुम या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, वाला वाला आलिका दिन है। इराक में शहर बगदाद में अल्लाह के फजल से कल हमारी ज़ियारत हज़रत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हज़रत सीरी सिकती, जो हज़रत जुनैद बगदादी के पीर व मुर्शिद भी है, उनकी बारगाह में हाजिरी की सआदत हासिल की है। फिर एक नबी की बारगाह में भी हाजिरी की सआदत हासिल हुई, हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम। फिर एक अल्लाह के ऐसे वली जो जन्नत में घर बेचा करते थे, वो भी उस उम्र में जिस उम्र में बच्चे पर नमाज भी फर्ज नहीं होती, हज़रत बेलुल दाना की बारगाह में हमने हाजिरी की सआदत हासिल किए, जो कमोबेश 6-7 बरस की उम्र में रेत के घर बना के जन्नत के घर बेचा करते थे। और बीबी जुबैदा की भी बारगाह में आप लोगों ने हाजिरी की होगा। जहाँ हमें आना था हम पहुंच चुके हैं माशाल्लाह से। सब लोग को इधर जमा करो, सब लोग इधर जमा हो जाओ। सो गाइस, हम लोग ये दूसरी जगह आए हैं। फिर मामू बताए कि ये कहाँ है। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अब आप सहाबी रसूल की बारगाह से एक वली की बारगाह में आए। इनका नाम है शेख उमर शहाबुद्दीन शोहरवर्दी। ये शोहरवर्दी सिलसिले के बानी हैं। शोहरवर्दी सिलसिला इनसे चला है और ये यूं कह सकते हो दुनियावी लैंग्वेज में हेड ऑफ शोहरवर्दी सिलसिला, जिस तरह कादरी सिलसिला गौसे पाक से है, नक्शबंदी हज़रत बाउद्दीन नक्शबंद से है और चिश्ती सिलसिला गरीब नवाज से है, उसी तरह ये शोहरवर्दी एक सिलसिला है जो शेख शाबुद्दीन शोहरवर्दी से चला। और जैसा कि एक रफाई सिलसिला है जो शेख कबीर अहमद रफाई जो बसरा में है यहाँ से 450 किलोमीटर दूर, तो ये सारे एक सिलसिले के बानी है, बुज़ुर्ग है, हेड है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उनकी और यहाँ से इंशाअल्लाह ताला हम इमाम गजाली की बारगाह में जाएंगे। जी।
जिनके दो कोच, जिनकी तालीमात, जिनके अमल जो हम आम लोगों के साथ जुम्मा के दिन आप फरमाते हैं कि जिसने जुम्मा के दिन अल्लाह पढ़ा बाद नमाज जुम्मा 100 बार, तो इंशाल्लाह إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. ابھی ہم امام غزالی کی بارگاہ میں حاضر آئے ہیں. الحمدللہ یہ ایک بہت عظیم بارگاہ ہے. روزانہ پڑھنے کے جو عمل تسبیحات اور جتنے بھی دینی کوٹس ہیں ये इमाम गज़ाली की अता है, और ये वो बारगाह है, इनकी इतनी किताबें हैं, इतनी उलमाओं ने ये कहा है कि इमाम गज़ाली की अगर किसी ने किताबें दिल से समझकर पढ़ लिया तो इंशाअल्लाह ताला उसे दुनिया में और कोई किताब की ज़रूरत ही ना पड़े. कलाम पाक के बाद इमाम गज़ाली की जो इरशादात तालीमात है, जो किताबें इन्होंने लिखी, जो अमल की तस्बीहात हमारी डे टू डे लाइफ हर चीज़ के लिए, रोज़ी के लिए, बरकत के लिए, सेहत के लिए, आफियत के लिए, बीमारी के लिए, हर चीज़ का इन्होंने किताबों के थ्रू हमें मसला अमल हल बता दिए. ये वो हमारे इमाम की बारगाह है, बड़ी अजीम बारगाह है. बाअदब हाजिरी दे करके हम यहाँ से हमारे होटल चले गए. सो गाइज, हम लोग होटल पे आ चुके हैं, खाना वगैरह खाए. अभी आधा एक घंटा है हमारे पास रेस्ट करने को, उसके बाद रिटर्न हम लोग जाएंगे मज़ारों पे सलामी देने के लिए. यहाँ पर बहुत सी दरगाह है, तो वहाँ पर जाएंगे. और आप लोग मेरा व्लॉग्स देखते रहो. आधे घंटे के बाद फिर मिलते हैं. सो गाइज, हम लोग आराम करके यहाँ पे हम हजरत अबू बकर शेख अबू बकर शिद्दीकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारगाह में हाजिर हैं. ये हमारे कादरी सिलसिले के ही पहले हैं. गौसे पाक से ये पहले आए हैं और 4 पीढ़ी ऊपर है. हमारे बहर शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक कारक अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते. ये आपका जो अबू बकर शिबली जो है उनका लकब है, नाम अबू बकर है. तो ये गौ से पाक से भी 4 पीढ़ी 6 पीढ़ी ऊपर है. अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे हजरत की बारगाह में हाजिर हैं. अल्हम्दुलिल्लाह फातिहा पेश करके शिद्रा पढ़ेंगे. अल्लाह पाक हजरत के सबके में सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए और यहाँ के बुजुर्ग बरकत से सबको माला माल बशीर हाफी. हाफी का मतलब पैदल चलने वाला. आपने अपनी जिंदगी में कभी चप्पल नहीं पहने,
जहाँ से गुजर जाते थे वहाँ पे कोई भी जानवर गंदगी नहीं करता, और आपने अपनी हयात जिंदगी में मदीने के अंदर कभी और जहाँ भी जहाँ से बने वहाँ किसी जानवर में गंदगी नहीं। यहाँ पे देने का देखो, ये भी लेडीजों को दे सकते हो। वो जन्नत का खाना जो मैं अभी उधर बोल रहा था, ये कांच की पेटी में, और पीछे जो परिंदा है वो परिंदा उसका खाना बनता था शोरबा, उधर बोला था ना वो। माशाल्लाह आप लोग देख सकते हो पेड़ पे लिखा हुआ है। हाँ गाइस, यहाँ पर हम लोग को पानी के नीचे उतरना है। माशाल्लाह से यहाँ पर कुदरती पानी आता है। अब मैं नीचे जाकर आप लोग को बताऊंगी। गाइस आप लोग देख सकते हो ठंडा पानी है, क्या कर सकते हैं। अरे अंदर रुपटा रुपटा देखे हो गए कि वो कुदरती पानी आ रहा था मजार के अंदर से। वहाँ से होने के बाद हम आए हैं आस्थाने पे, और गाइस यहाँ पर की ठंडी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये कंट्रोल कर रहे थे ना? हाँ गाइस, ये बंदा कंट्रोल करते कि किसमें हिम्मत है गाइस। मर्द को दर्द नहीं होता। मामू का नाम क्या है? उमेर भाई। साजिद, साजिद मामू का लड़का है ना, तो इसको कुछ क्या बोलते हैं, इसको कुछ नहीं हो रहा। हाँ वो भी बहुत स्ट्रांग है, ऐसा हम भी है। मटन खाएगा गाइस। हम लोग यहाँ पर पहुंचे, माशाल्लाह से बारिश हो रही है यहाँ पर। गाइस हम लोग जब से आए ना, माशाल्लाह यहाँ पर बारिश ही हो रही है, और ठंडी तो बाप रे बाप, बोलो ही मत, कुछ भी नहीं। गाइस ऐसा आंटी बहुत बारिश के लिए आ चुके हैं। अब अंदर जाके आप लोग को इंशाल्लाह मैं आप लोग से आप सबकी ज़ियारत करवाती हूँ। गाइस इधर इतना सुकून लगता है ना गाइस, कोई भी नहीं, एकदम पहल पहल कुछ भी नहीं होती गाइस। सब दुआ अपने अपने में सब लगे रहते हैं, दुआ में आ चुके हैं। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं हमारे होटल पर, ज़्यादा अच्छे से हो गई हमारी। अब नीचे जा रहे डिनर करने, देखते क्या क्या और खाते हैं। सो गाइस मैं यही करी व्लॉग एंड, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।